अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इनायास किचन में आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ प्लेन राइस इन देगची। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें देगची में राइस बनानी है, इसलिए हम सबसे पहले एक देगची लेंगे और उसी देगची में हम एक गिलास चावल डालेंगे। फिर उसमें हम पानी डालेंगे और उसे हाथों से अच्छी तरह से धो देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके हम उस पानी को फेंक देंगे। फिर हम उसमें दोबारा पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से धो देंगे। फिर सेम प्रोसेस हम तीसरी बार भी करेंगे। चावल अच्छी तरह धोने के बाद हम उसमें उसी गिलास से दो गिलास पानी डालेंगे जिससे हमने चावल नापा था। याद रहे, देगची में चावल बनाना है इसलिए हम दो गिलास पानी डाल रहे हैं। अगर यही चावल कुकर में बनाते तो हम डेढ़ गिलास पानी डालते। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक डालेंगे। हमने जो एक गिलास चावल लिया है, एक गिलास चावल यानी पौसेर चावल लिया था, इसलिए पौसेर चावल के हिसाब से हमने 1 चम्मच नमक डाला है। अब हम देगची को गैस पर रखेंगे और गैस का फ्लेम स्टार्ट करेंगे। फिर हम बॉयल होने तक इंतज़ार करेंगे। जब हमारी राइस बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तो हम स्पैचुला की मदद से उसे थोड़ा हिलाएंगे। जब हमारी राइस अच्छी तरह बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तब हम गैस का फ्लेम लो करेंगे। लो फ्लेम पर हम आधा ढक्कन ढककर राइस को बॉईल होने देंगे। जब हमारी राइस का पूरी तरह से पानी सूख जाए तब हम उसे सीधा सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम उसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हम देगची को दम के लिए रख देंगे और उसको स्पैचुला की हेल्प से ठीक सेट कर लेंगे। राइस को सीधा सेट करने के बाद हम उस पर ढक्कन ढक देंगे और 10 मिनट उसे दम के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स हम चेक करेंगे कि हमारी राइस पूरी तरह से दम आई है या नहीं। अब आप देख सकते हो कि हमारी राइस पूरी तरह रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम सर्विंग डिश में राइस को निकालेंगे और सर्व करेंगे। तो देखिए, हमारी राइस रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।